नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमारा ऐप जो है EPF अलर्ट ऐप, उसको भी प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा एप्लीकेशन निकाले गए हैं कॉन्स्टेबल पोस्ट के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो आप देख सकते हैं जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है वो है कॉबलर, टेलर, कुक, बार्बर, स्वीपर, वेटर। तो आप देख सकते हैं कॉन्स्टेबल पोस्ट की ये वैकेंसी है। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरी जाएंगी, और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज की गई है वो है 1284। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज जारी की गई हैं। उसी के साथ इसकी जो एप्लीकेशन है ये 26 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप चाहें तो अब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 27 मार्च 2023, 27 मार्च 2023 तक आप लास्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ जो इनके द्वारा जारी किया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन गिवन है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जारी की गई हैं उसका स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। टोटल वैकेंसीज हैं 1284। साथ ही एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, तो आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो पे स्केल है वो है 21,700 से 69,100। पे स्केल जो है वो लेवल 3 है। और उसी के साथ इसके लिए जो एग्जामिनेशन फीस होनी चाहिए उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन है। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको इजीली मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस जो है वो है 100 रुपीज़, और आपको ये नेट बैंकिंग से पे करनी होगी या फिर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। और ये जो फीस है ये UR EWS और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है 100 रुपीज़। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, तो आपको इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। साथ ही यहाँ पे इस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी गिवन है, एज रिलैक्सेशन की जानकारी भी गिवन है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और प्रोफिशिएंट होना चाहिए अपने रिस्पेक्टिव ग्रेड में। तो उसकी वो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप नोटिस को देख सकते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन गिवन है। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है जो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नोटिस को पूरी तरह से गो थ्रू करें, उसके बाद ही अप्लाई करें, ताकि आपके लिए अप्लाई करना भी ईजी हो और आप पे सारी इन्फॉर्मेशन हो। उसी के साथ यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का सेक्शन है, जहाँ पे पूरी डिटेल जानकारी गिवन है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा जो है rec.bsf.gov.in, यहाँ पे विजिट करके आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और जितना जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई करें ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। लास्ट वूमेन के लिए आप इसको ना छोड़ें, और डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पर विजिट करके इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर आप कोई भी अपडेट से बने रहना चाहते हो तो आप इवेंट को डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पे भी अप्लाई नाउ का ऑप्शन है जिस पर टैप करके आप डायरेक्टली पोर्टल पर विजिट करेंगे। उसके बाद आप इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फीचर हमारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो डिस्कस बटन पर क्लिक करके हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म community.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आप लोगों की मदद के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे राइटर रिप्लाई का सेक्शन है, जहाँ पे आप रिप्लाई करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ। ये अलर्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन सेक्शन वाइज बाइफरकेट कर रखे हैं। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन का सेक्शन है, तो जो भी लेटेस्ट इवेंट्स हैं आप देख सकते हैं, आपको टॉप पे ही मिल जाएंगे। आपके लिए बहुत ईजी होगा इवेंट्स को सर्च करना, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पर सारे इवेंट्स सेक्शन वाइज बाइफरकेट कर रखे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।